Hi guys, wish you a very very good evening. This is me Aisha Joshi and you are watching me on the channel of Achieve.is. So जैसा कि आप सभी को पता है, डेली बेसिस पे मैं आपके लिए कुछ स्पेशल लेकर आती हूँ. न्यूज़ एनालिसिस तो हम डेली ले रहे हैं और उसी के साथ में वी द टीम ऑफ Achieve.is आर प्लानिंग अ लॉट टुवर्ड्स योर प्रिपरेशन. एंड जैसा कि आप सभी को पता है कि प्रीलिम्स काफ़ी करीब है. 4th of October देयर विल द प्रीलिम्स, UPSC CSE प्रीलिम्स. सो फॉर दैट यू हैव टू प्रिपेयर अ लॉट. ओके, और उसी प्रिपरेशन में आपकी हेल्प करने के लिए हम लोग यहाँ अवेलेबल हैं और इसीलिए हमने कुछ स्पेशल प्लान किया है. हम कुछ स्पेशल क्रैश कोर्सेज लेकर आए हैं आपके लिए, जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट का कवरेज होगा. हर सब्जेक्ट जो आपके प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, उसका सिर्फ फैक्ट बेस्ड और उसी के साथ में जो करंट अफेयर्स हैं, जहाँ से उसे कनेक्ट करते हैं उस सब्जेक्ट से, वो सारे करंट अफेयर्स और फैक्ट्स, इन सभी को कंपाइल करके आपके साथ में एक ऐसा मटेरियल शेयर करने वाले हैं हम, जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है और काफ़ी मैक्सिमम एरिया जो है आपके एग्ज़ाम का, आपके कोर्स का, वो पर्टिकुलर कोर्स कवर कर लेगा. ठीक है, ये क्रैश कोर्स जो है, इसके अंदर हम सभी सब्जेक्ट्स लेकर आ रहे हैं आपके साथ में. एंशियंट हिस्ट्री जो ऑलरेडी आपका जो है चल रहा है हमारे चैनल पे, उसके अलावा इकोनॉमिक्स और पॉलिटी, जियोग्राफी, साइंस, ये सारे सब्जेक्ट्स जो है आपके लिए हम लोग प्रेजेंट करेंगे यहाँ पे. ये सारे क्रैश कोर्सेज होंगे, मैक्सिमम 60-65 डेज में सारे कोर्सेज इंडिविजुअली कवर हो जाएंगे. सो इफ़ आई कैन से ब्रीफ, अगर मैं ब्रीफली आपसे बात करूँ तो अगर इसके पर्टिकुलर सेक्शन, हर एक सेक्शन के 60-60 डेज का अगर प्लान करते हैं, तो हम मान के चलते हैं कि एग्ज़ाम से 20-25 डेज पहले आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा. ओके, एंड फॉर दैट यू हैव टू बी प्रिपेयर. आपको टाइम तो देना ही होगा. इसके लिए आपको रूटीन बेसिस पे हमारे वीडियोस को फॉलो करना है, उन वीडियोस से बनने वाले क्वेश्चंस को डिस्कस करना है, और इसके अलावा जो भी डिस्कशंस या क्वेरीज आपकी हैं, आप कमेंट सेक्शन में हमें बताएंगे, जिससे कि हम उसे सॉर्ट आउट कर सकें. ठीक है, और इसी के साथ में हमने एक नया प्रोग्राम भी लॉन्च किया है, आंसर राइटिंग का, मेन्स आंसर राइटिंग का. मेन से रिलेटेड डेली बेसिस पे हमारे चैनल पे आपको एक क्वेश्चन पोस्ट किया जाएगा, उस क्वेश्चन को हिंदी और इंग्लिश दोनों में पोस्ट किया जाएगा. आपको वो क्वेश्चन जो है उसका आंसर नोट करना है और हमारी वेबसाइट या हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसे अप्रोच करना है, वहाँ पे उस आंसर को सबमिट करना है. ठीक है, बहुत ही रीजनेबल प्राइस में आपको बहुत सारी चीज़ें, बहुत अच्छा इवेल्यूएशन अवेलेबल होगा और हमारे चैनल पे आपके आंसर्स पोस्ट होंगे, जिससे कि आपको भी एक मोटिवेशन मिलेगा और भी जिन्होंने आंसर अटेम्प्ट नहीं किए हैं उनको भी एक मोटिवेशन मिलेगा उन आंसर्स से. ओके, सो हेयर इट इज़ अ वेरी नाइस कोर्स. डेली बेसिस पे हमारे चैनल पे आपको वो एक क्वेश्चन जो है अवेलेबल होगा और उसी पर बेस्ड जो है एक्सप्लेनेशन या एक मॉडल आंसर या उससे रिलेटेड जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको नेक्स्ट डे इसी चैनल पे अवेलेबल होगा. ओके, सो डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी. सब कुछ आपकी 2020 की प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग किया जा रहा है. हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो सब आपके 2020 प्रिपरेशन को बेस्ट बनाने के लिए कर रहे हैं और उसके लिए ये सब चीज़ें, क्रैश कोर्स, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस एंड ऑल, ये सब कुछ जो भी अवेलेबल हो रहा है ये सब आपके लिए ही अवेलेबल करवाया जा रहा है. सो डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी. ऑलवेज बी विद अस एंड ऑलवेज फॉलो द चैनल, ऑलवेज फॉलो द वीडियो, जिससे कि आपका मैक्सिमम पोर्शन प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग कवर हो सके. ठीक है, तो आज से हम लोग इकोनॉमिक्स का सेक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं. दिस मी आयुषी जोशी एंड टुडे इज 9th of July 2020 एंड प्रोबेबली 60 डेज, इवन इससे कम ही कोशिश करूँ, कम दिनों में मैं कोशिश करूँगी, लेकिन हम जो कोर्स है उसे जो है 55 और 60 डेज के बीच में कवर कर लेंगे. इवन इससे पहले भी कोशिश करूंगी, जिससे कि आपका ऐसा कोर्स कवर हो जाए जो कि आपको प्रीलिम्स क्लियर करवा दे. प्रीलिम्स में देखिए बहुत मैक्सिमम कवरेज होता है इकोनॉमिक्स का. इकोनॉमिक्स और पॉलिटी एंड इवन करंट अफेयर्स, ये 3 पोर्शन ऐसे होते हैं जो मैक्सिमम कवरेज कैरी करते हैं UPSC CSE का, जितना अब तक मैंने देखा है ना. अब तक जितने भी क्वेश्चन पेपर्स आप उठाएंगे लास्ट ईयर्स के, तो जो मैक्सिमम कवरेज होता है, मैक्सिमम क्वेश्चंस जहाँ देखने को बोलते हैं, या इवन जो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन जहाँ बच्चे सबसे ज़्यादा उलझते हैं, वो होता है एक तो इकोनॉमिक्स, एक पॉलिटी और एक होता है करंट अफेयर्स का सेक्शन. ओके, तो करंट अफेयर्स भी हम आपके साथ में शेयर कर रहे हैं वीडियो डेली बेसिस पे. हिंदू भी एनालिसिस भी डिस्कस हो रहा है और क्योंकि आप लोगों की डिमांड है, स्टूडेंट्स की डिमांड के बेसिस पर हम इंग्लिश में द हिंदू का न्यूज़ एनालिसिस भी स्टार्ट करने जा रहे हैं. ठीक है, हिंदी में ऑलरेडी मैं आपको प्रोवाइड करवा रही हूँ मॉर्निंग में,
इवनिंग तक आपको वो जो है इंग्लिश में जो न्यूज़पेपर है द हिंदू का वो भी अवेलेबल हो जाएगा, उसका एनालिसिस भी. तो समवेयर इट विल बी अ वेरी वेरी क्रूशियल टाइम टू गो थ्रू ऑल दीज थिंग्स. और आपको जाना चाहिए, आपको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि आपका एक चैनल को फॉलो कर, देखिए बहुत सारे रिसोर्सेज को फॉलो करना इज़ नॉट अ वेरी आई कैन से सेंसिबल थिंग. ओके, सो मुझे लगता है एक चीज़ फॉलो करो, लेकिन इस तरीके से करो कि आपका सारा कोर्स कवर हो जाए. इसीलिए ये चैनल पे हम लोग इस तरह का मटेरियल आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं. क्रैश कोर्सेज हर सब्जेक्ट के लिए हमने स्टार्ट किया है. आपका प्रीलिम्स पूरी अच्छी तरीके से कवर हो जाएगा. इसी के साथ मैं दोनों हिंदी और इंग्लिश में आपको जो है द हिंदू का न्यूज़ एनालिसिस भी प्रोवाइड हो रहा है. उसी के साथ मैं आपको जो मेंस आंसर राइटिंग है, मेंस का एक क्वेश्चन डेली बेसिस पे प्रोवाइड होगा, हिंदी मीडियम वालों के लिए हिंदी में, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए इंग्लिश में. ओके, एंड उसका आंसर आपको जो है आप नोट करके हमसे इवेल्युएट भी करवा सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल और इवन हमारी वेबसाइट पर, जिससे कि आपको ईजी हो जाएगा कि आपको सिर्फ आंसर्स नोट करना है, इवेल्युएट करवाना है, और जो मार्क्स आ रहे हैं, जो आपको सजेशंस मिल रहे हैं, उस बेसिस पे आपको वर्क करना है और अपने आपको प्रीलिम्स के लिए मेंस के लिए बिल्कुल रेडी कर लेना है ना. तो ये चीज़ भी आपके लिए बहुत कन्वीनियंट है. उसके अलावा जो मैक्सिमम कवरेज है करंट अफेयर्स का, वो भी इस चैनल पे अवेलेबल होगा. सो समवेयर आई कैन से कि 2020 पूरी तरीके से आपका यहाँ पे प्रिपेयर होने वाला है, न्यूज़ एनालिसिस से लगा के, करंट अफेयर्स से लगा करके, और आपका मेंस, इवन प्रीलिम्स के क्रैश कोर्सेज, ये सारी चीज़ें आपको प्रीलिम्स और मेंस क्लियर करवाने में हेल्प करेगी. ऐसी हमारी कोशिश रहेगी. ओके, सो आज से हम लोग इकोनॉमिक्स का ये क्रैश कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं. तो आइए देखते हैं आज के इस वीडियो को. देखिए सबसे पहले तो इकोनॉमिक्स है क्या, इकोनॉमी क्या है. देखिए किसी भी देश की अर्थव्यवस्था जो है वो इकोनॉमी होती है. कोई भी ऐसी चीज़ जो पैसे से संबंधित है, डिमांड और सप्लाई के बीच, देखिए हमारे देश में जो या विश्व में जो है रिसोर्सेज जितने भी हैं वो एक लिमिटेड है ना, और जो हमारी वॉन्ट्स हैं वो अनलिमिटेड हैं. हमारी ज़रूरतें बहुत ज़्यादा हैं, जबकि उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत कम अवेलेबल हैं. हमारी ज़रूरत है कि हम लोग जो है एक पर्टिकुलर जो एरिया वाइज जो है हम इतना एरिया कवर कर लें. तो हमारे देश में या हमारे विश्व में इतनी लैंड अवेलेबल नहीं है जिससे कि इंडिविजुअली हर इंसान को अलग अलग एरिया कवर हो जाए. तो इस तरीके से इन जनरल, दिस वॉज जस्ट एन एग्जाम्पल, तो इन जनरल अगर आपके जो वॉन्ट्स है उसे रिसोर्सेज फुलफिल नहीं कर पा रही है, तो ये फैक्ट है. इट इज़ इकोनॉमी कि आप कैसे इकोनॉमी कहाँ, अब यहाँ पे इकोनॉमी वर्क करता है, कैसे करता है, तो जो अनलिमिटेड आपकी वॉन्ट्स है उन्हें आपको लिमिटेड वॉन्ट्स के साथ में बैलेंस करना है. जितनी आपकी वॉन्ट्स है, लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ में आपको उन्हें बैलेंस करना है. मतलब जितना आपके पास में, अगर पॉकेट में 10,000 है और आपकी नीड है, आपकी जो वॉन्ट, नीड तो चलिए नेसेसिटी होती है, वो तो बेसिक के बेसिस पर होती है, लेकिन जो वॉन्ट्स होते हैं वो आपके 20,000 जितने हैं, तो डेफिनेटली आप 20,000 में जो मटेरियल, 20,000 का जो आपको चाहिए वो आप 10,000 में कैसे बैलेंस करते हैं कि आप नेसेसरी आइटम या जो नीड है, नेसेसिटी जो है, उसे प्रायोरिटी दे करके और इस तरीके से बैलेंस करें कि 10,000 में आपका पूरा कवर हो जाए, जो आपकी नीड्स है, बेसिक नीड्स भी फुलफ़िल हो जाए और जो आप चाहते हैं वो भी कम्प्लीट हो जाए. तो ये जो बैलेंस बनाने की जो प्रक्रिया है, यही बेसिकली इकोनॉमी है. ओके, इकोनॉमी दो तरीके की होती है, एक तो होती है माइक्रो और एक होती है मैक्रो. ओके, रोजर फ्रिश ने ये दिया था ये दोनों वर्ड्स को. माइक्रो इकोनॉमी क्या होती है, इंडिविजुअल, किसी फर्म या कोई इंडिविजुअल है तो उसके बेसिस पर, फर्म, इंडस्ट्री और इंडिविजुअल के बेसिस पर जो स्टडी किया जाता है, जो इकोनॉमी स्टडी की जाती है, उसे माइक्रो इकोनॉमी कहते हैं. और वहीं जब गवर्नमेंट बेसिस पर या एक होल बड़ी इकोनॉमी, बहुत बड़ी इकोनॉमी जो कवर करते हैं, जिसके अंदर अलग अलग सेक्टर्स को मिला करके पूरी इकोनॉमी कवर की जाती है, वो पूरी इकोनॉमी जो होती है वो कहलाती है मैक्रो इकोनॉमी. ओके, सो मैक्रो इकोनॉमी में जैसे किसी देश की, एक इंडिया की इकोनॉमी है ना, पूरी सरकार की जो चला रही है, इकोनॉमी जो चला रही है, पूरे देश की अर्थव्यवस्था जो चल रही है, वो आ गया मैक्रो इकोनॉमी में. लेकिन यही अगर मैं कहूँ कि मेरी या एक्स वाई जेड कोई प्राइवेट लिमिटेड है, उसकी अगर इकोनॉमी है, उसको स्टडी करना है, तो वो आ जाएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स में. ओके,
सो बेसिक्स मैं उम्मीद करती हूँ आपके समझ में आ गए होंगे। अब डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल नेटवर्क, देखिए कि जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इकोनॉमी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो मॉडल नेटवर्क नेटवर्क मॉडल पर बेस्ड है ना। तो स्टेट लेवल पे इकोनॉमी होती है, एक एक मार्केट की इकोनॉमी होती है और एक स्टेट मार्केट इकोनॉमी होती है। इन जनरल पब्लिक प्राइवेट एंड पब्लिक प्राइवेट, या हम कह सकते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। ओके, तो अब आज से जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो बेसिकली हमारा मेजर जो पोर्शन कवर करेगा प्रिलिम्स के अकॉर्डिंग वो इंडियन इकोनॉमी का होगा, क्योंकि प्रिलिम्स में जो है वर्ल्ड इकोनॉमी का जो है बहुत कम जो है एरिया कवर करता है। मेजर पोर्शन जो आपके क्वेश्चन पेपर का कवर करता है वो इंडियन इकोनॉमी करता है। ओके, सो इंडियन इकोनॉमी के लिए हम लोग बेसिकली बात करेंगे इंडियन इकोनॉमी की कि कैसे कार्य करती है, क्या है, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले तो किसी भी इकोनॉमी क्या है ये आपको समझ में आ गया, इसके पार्ट समझ में आ गए। अब किसी भी इकोनॉमी को ऑर्गेनाइज करने के लिए उसे तीन पार्ट्स में बांटा गया है। ठीक है, उसकी स्टडी को प्रॉपर वे में ले जाने के लिए या उसकी प्रॉपर स्टडीज़ के लिए उसे थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया गया। एक तो होता है कैपिटलिज्म इकोनॉमी, एक होता है स्टेट इकोनॉमी और एक होता है मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित। ठीक है, उम्मीद है आपको चीज़ें देखिए बायलिंगुअल ले रही हूँ मैं, आपको कोई हिंदी मीडियम वाला ये नहीं कह सकता कि हमें ये वीडियो समझ में नहीं आया, और कोई भी इंग्लिश मीडियम वाला ये नहीं कह सकता कि वीडियो को इंग्लिश में बनाइए हमें समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मैं बायलिंगुअल ले रही हूँ, मतलब दोनों ही लैंग्वेजेस में कवर कर रही हूँ। ठीक है, तो दोनों स्टूडेंट्स के लिए प्रॉफिटेबल है ये। ऑर्गेनाइजिंग इकोनॉमी वी हैव टू डिवाइडेड इन थ्री पार्ट्स, दैट इज़ कैपिटलिज्म इकोनॉमी, स्टेट इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। देखिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वो होती है जहाँ पर जिस देश में अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से पूंजीवादिता पर निर्भर हो या पूंजी पर निर्भर हो। ठीक है, जहाँ पे सर्विसेज वैल्यूएबल नहीं है लेकिन प्रॉफिट एंड कैपिटल वैल्यूएबल है या मनी वैल्यूएबल है, वो कैपिटलिज्म इकोनॉमी होगी, है ना। जैसे यूएसए है, यूएसए की इकोनॉमी जो है वो कैपिटलिज्म इकोनॉमी है। वहीं अगर हम बात करें स्टेट इकोनॉमी की, तो ये टोटली सर्विसेज पर बेस्ड होती है, मतलब जहाँ पर पूरी तरीके से समाजवादी अर्थव्यवस्था, समाज को प्रायोरिटी दी जाती है। ठीक है, और मिक्स्ड इकोनॉमी में समाज तथा जो पूंजी है दोनों को साथ लेकर चला जाता है, पूंजी का उपयोग करते हुए समाज के विकास का कार्य किया जाता है, वो मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है। अब मैं आपको बता देती हूँ, वैसे तो आप सभी को पता होगा कि कैपिटलिज्म इकोनॉमी क्या है। तो बेसिकली इसके अंदर प्राइवेटाइजेशन पर फोकस किया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टीट्यूशंस, एंटरप्रेन्योरशिप, सब कुछ है ना, सब कुछ प्राइवेट होना चाहिए। इसमें सोशलिज्म पर बेस नहीं दिया जाता है, बेस नहीं होता है, या हम कह सकते हैं उस पर ज़्यादा प्रभाव नहीं देखा जाता है सोशल इकोनॉमी पर। क्यों? इसका कारण है सोशलिस्ट इकोनॉमी जो होती है वो समाज पर निर्भर करती है और समाज के लिए चलाई जाती है। इट मीन्स उसके अंदर प्रॉफिट या जो है मनी को ध्यान में नहीं रखा जाता है, सर्विसेज को ध्यान में रखा जाता है। जबकि कैपिटलिज्म जो इकोनॉमी होती है, ये एक्चुअली इसके ओरिजिनेटर जो हैं वो एडम स्मिथ हैं। ठीक है, और वेल्थ ऑफ नेशन 1776 के तहत इन्होंने जो है इसके बारे में बताया था हमें, कैपिटलिज्म इकोनॉमी के बारे में। इस इकोनॉमी में जो फोकस होता है वो प्राइवेटाइजेशन पे होता है। इसे अगर दूसरे नाम इसके पूछे जाए कि इसे और क्या कहा जा सकता है, तो कैपिटलिज्म इकोनॉमी को प्राइवेट इंटरप्राइज सिस्टम, फ्री इंटरप्राइज सिस्टम या मार्केट इकोनॉमी भी कहा जा सकता है। ओके, अब इस इकोनॉमी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी थ्रू प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन करो और इकोनॉमी को ग्रो करो, जितना ज़्यादा प्राइवेटाइजेशन होगा इकोनॉमी ग्रो करेगी। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। और बहुत इजी लैंग्वेज में मैंने बस पॉइंट वाइज ले लिया है, जिससे कि आपको इजी भी हो जाए और समझ में भी आ जाए चीज़ें, है ना। कैपिटलिज्म इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी जो पूरी तरीके से प्राइवेटाइजेशन पर बेस्ड होती है, इसके ओरिजिनेटर जो हैं वो एडम स्मिथ हैं। इसके अलावा जो अदर नेम्स है इसके, प्राइवेट इंटरप्राइज सिस्टम, फ्री इंटरप्राइज सिस्टम या मार्केट इकोनॉमी है। इसका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो इकोनॉमी को ग्रोथ करना थ्रू प्राइवेटाइजेशन। ओके, दिस इज़ द कैपिटलिज्म इकोनॉमी। द नेक्स्ट इज स्टेट इकोनॉमी। स्टेट इकोनॉमी को प्रपोज किया है किसने? जर्मन फिलोसोफर कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स द्वारा दी गई इकोनॉमी है ये, अर्थव्यवस्था का जो पार्ट है स्टेट इकोनॉमी, ये कार्ल मार्क्स द्वारा प्रस्तुत किया गया है। इसका जो सबसे पहले शुरुआत होता हुआ था, या हम कह सकते हैं स्टेट इकोनॉमी जहाँ सबसे पहले जो इनिशिएट हुई थी वो यूएसएसआर के अंदर हुई थी, है ना, मतलब अर्स्टवाइल में हुई थी आफ्टर बोल्शेविक रिवॉल्यूशन। ओके,
एंड इसको सोशलिस्ट इकोनॉमी भी कहा जाता है। लेकिन देखिए ये इस समय सिर्फ जो है लॉन्च हुई थी, सबसे पहले यूएसएसआर में बोल्शेविक रिवॉल्यूशन के बाद में सिर्फ लॉन्च हुई थी ये, एक जो है इसका इंट्रोडक्शन देखा गया था। लेकिन बाद में इसने अपना शेप लेना शुरू किया चाइना के अंदर, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना में 1949 में। ओके, तब से इसे कम्युनिस्ट इकोनॉमी कहा जाने लगा। पहले सोशलिस्ट इकोनॉमी कहा जाता था, लेकिन बाद में जो है जब ये चाइना में आया और चाइना में जब इसने अपना रूप धारण किया, या हम कह सकते हैं स्टेट इकोनॉमी पूरी तरीके सोशलिस्ट इकोनॉमी जो है अपने असली रूप में आई या एक असल अस्तित्व में आई, तो उस समय इसका नाम बदल करके कम्युनिस्ट इकोनॉमी कर दिया गया चाइना के अंदर। ठीक है, इसका जो फोकस होता है इस इकोनॉमी का, ग्रोथ ऑफ सोसाइटी होता है, प्रॉफिट अर्निंग नहीं होता है, प्राइवेटाइजेशन के थ्रू प्रॉफिट को अर्न करना नहीं होता, इकोनॉमी का ग्रोथ नहीं होता, इसका फोकस होता है सोसाइटी को ग्रो करना है। ठीक है, उसके बाद में इसके दूसरे नाम और क्या हो सकते हैं, सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी और नॉन मार्केट इकोनॉमी, ये सब इसके अदर नेम्स भी हो सकते हैं, मतलब इन्हें इन नामों से भी इसे पुकारा जाता है। अब हम बात करेंगे मिक्स्ड इकोनॉमी की। इसे प्रपोज किया था कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के इंग्लिश इकोनॉमिस्ट हैं जॉन मेनार्ड किन्स, कीन्स के बारे में सुना होगा आपने, उनकी थ्योरीज, काफ़ी थ्योरीज हैं उनकी इकोनॉमी बेस्ड जो चलती है। उन्होंने अपनी बुक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इंटरेस्ट एंड मनी के अंदर 1936 में मिक्स्ड इकोनॉमी की चर्चा की थी। ओके, कीन्स का सजेशन था कि स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन द इकोनॉमी, इकोनॉमी को अगर स्ट्रॉन्ग बनाना है तो आपको गवर्नमेंट इंटरवेंशन जो है उसे स्ट्रॉन्ग करना होगा, है ना। इसके अलावा उनका जो इस इकोनॉमी का जो फोकस रहता है वो प्राइवेट और सोशल दोनों सेक्टर पर रहता है, मतलब कैपिटलिज्म और कम्युनलिज्म दोनों पर रहता है। इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो इनका जो फोकस है वो कार्ल मार्क्स और एडम स्मिथ दोनों की इकोनॉमी को मिलाकर एक नई इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी को क्रिएट करना है। ठीक है, इनका ये कहना है कि हर एक देश में जितनी ज़रूरत प्राइवेटाइजेशन की होती है उतनी ही ज़रूरत पब्लिक सेक्टर या सोशल सेक्टर की भी होती है, कम्युनलिज्म की भी होती है, जितनी ज़रूरत कैपिटलिज्म की है उतनी कम्युनलिज्म की भी है, और अगर जितनी ज़रूरत कम्युनलिज्म की है उतनी कैपिटलिज्म की भी है। ओके, सो इस इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो इसका एक बेस्ट सूटेबल एग्जांपल है इंडियन इकोनॉमी। इंडिया के अंदर मिक्स्ड इकोनॉमी चलती है, हमारे यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर्स भी चलते हैं और पब्लिक सेक्टर्स भी चलते हैं और दोनों मिलाकर के इकोनॉमी जनरेट करते हैं, तो ये हो गई मिक्स्ड इकोनॉमी। ओके, एंड टुडे वंस द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हैज़ टेकन ओवर द वर्ल्ड इकोनॉमी और द ब्रांड ऑफ द मिक्स्ड। ओके, अगर हम बात करें तो WTO जो है उन्होंने वर्ल्ड लेवल पे वर्ल्ड इकोनॉमी को जो है मिक्स्ड इकोनॉमी का एक ब्रांड बना दिया है। ओके, आज की डेट में इंडिया अपने आप में एक ब्रांड बन चुका है, इंडियन इकोनॉमी जो है वो मिक्स्ड इकोनॉमी के तौर पे चर्चित है विश्व स्तर पे। द प्रोसेस ऑफ, अब देखिए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात करते हैं। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्या होता है, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में परिवर्तन आना, महत्वपूर्ण बदलाव आना, महत्वपूर्ण परिवर्तन आना। अगर मैं बात करूं कि ब्रिटिशर्स के टाइम पे है, उससे पहले से हम लोग जो है बार्टर सिस्टम पर चलते थे, उस समय भी इकोनॉमी थी, हम इराक ईरान से काफ़ी लेन देन था हमारा, अगर सिंधु घाटी सभ्यता ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की अगर बात की जाए तो उस समय भी हमारा काफ़ी बाहरी देशों से, चाइना से ले लीजिए या अदर देशों से काफ़ी जो है हमारा लेन देन हुआ करता था। तभी ये सिल्क रूट क्रिएट हुआ था, यहाँ हमारा इराक ईरान इनसे लेन देन हुआ करता था और समुद्री मार्ग से भी काफ़ी देशों से हमारा इजिप्ट से और काफ़ी संबंध रहा है, है ना। उस समय हम लोगों के पास मौद्रिक संबंध नहीं थे, पहले हम सबसे पहले बार्टर सिस्टम पर बेस्ड थे, फिर धीरे धीरे जो है हम लोग मौद्रिक संबंधों पर आए, मतलब हम लोगों ने गोल्ड कॉइन, सिल्वर कॉइन्स एक्सचेंज करना स्टार्ट कर दिया, बहुमूल्य धातुओं का जो है आदान प्रदान शुरू हो चुका था। ठीक है, उसके बाद में ब्रिटिशर्स के आने के बाद में करेंसी आई, है ना। तो ये तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है, धीरे धीरे इकोनॉमिकली रिफॉर्म कर रहे हैं, और लेकिन ये सारी हिस्ट्री है ना, इस पर बेस्ड क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं, क्वेश्चन नहीं आता, कोई 10 12 15 साल में एक आ जाता तो वो लक है आपका। ठीक है, इसके अलावा इस पर्टिकुलर सेक्शन से कोई क्वेश्चन कि ब्रिटिशर्स में कैसी इकोनॉमी थी ये सब चीज़ें कोई नहीं पूछता है, लेकिन हाँ ये आपको ध्यान रखना ज़रूरी है कि सबसे पहले हम बार्टर सिस्टम पे चलते थे, फिर हम लोगों के अंदर जो है मटेरियलिस्टिक वैल्यू स्टार्ट हुई, इट मीन्स हमने बहुमूल्य धातुओं के आधार पर, धातु जो है उसके आधार पर लेन देन शुरू किया, मतलब गोल्ड कॉइन, सिल्वर कॉइन्स एंड ब्रॉन्ज एंड स्टोन्स, ये सब चीज़ें हमने आदान प्रदान करनी शुरू की। ठीक है, उसके बाद में धीरे धीरे आते आते जब ब्रिटिशर्स आए उसके बाद से हमारे यहाँ पे क्या स्टार्ट हुआ,
करेंसी, ओके, करेंसी इशू होना स्टार्ट हुई, ठीक है। और उसके बाद में जो सबसे बड़ा रिफॉर्म देखा गया, इकोनॉमिक रिफॉर्म जिसे हम कह सकते हैं, वो देखा गया 1991 में। भारत में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की शुरुआत ही 1991 में हुई थी, ठीक है। और 1991 है क्या, क्या हुआ था ऐसा 1991 में, तो मैं आपको बता दूं कि 1991 में हम लोग ऐसी स्थिति में आकर खड़े हो गए थे कि हमारे पास में अगले दिन को जो है देश चलाने को भी पैसा नहीं था। वी इवन डिडंट हैव एनी सिंगल अमाउंट जो कि हम लोग अगले दिन चला सकें। एक दिन चलाने के लिए करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है ना, तो देश के पास में इतना पैसा नहीं था कि वो अगला दिन चला सके, ठीक है। तो उसी समय हमारे जो फॉर्मर हम कह सकते हैं प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर मनमोहन सिंह जी, उन्होंने एक मॉडल पेश किया, एलपीजी मॉडल, है ना। एज अ इकोनॉमिस्ट ही इज़ एन ऑसम पर्सन, ओके, मतलब एक मैं कह सकती हूँ बहुत बहुत नॉलेजेबल पर्सन है मनमोहन सिंह जी। उन्होंने एक मॉडल पेश किया जो था एलपीजी मॉडल। इसके तहत क्या किया गया, तो एलपीजी मॉडल क्या था, एलपीजी दैट इज़ एल लिबरलाइजेशन, पी फॉर प्राइवेटाइजेशन एंड जी फॉर ग्लोबलाइजेशन। मनमोहन सिंह जी ने ये कहा कि जितना ज़्यादा हो सकता है इकोनॉमी के अंदर उदारवादिता लाओ, टैक्सेस फ्री कर दो, जितने लोन्स हैं उनको टैक्स फ्री कर दो, इंटरेस्ट फ्री कर दो। इस बेसिस पर जो है ज़्यादा से ज़्यादा पैसा हमें कलेक्ट करना है और वो आ भी जाएगा। तो लोगों ने सोचा कि ठीक है, जितना ज़्यादा टैक्स फ्री हो रहा है या इंटरेस्ट फ्री हो रहा है, तो हम जल्दी से जल्दी सरकार को जो पैसा चुकाना है वो चुका देते हैं, क्योंकि कल को अगर इंटरेस्ट बढ़ गया या फिर टैक्सेस बढ़ गए तो हम लोग पे नहीं कर पाएंगे, उस कंडीशन में नहीं होंगे कि हम उसे पे कर सकें, ठीक है। तो वो हो गया लिबरलाइजेशन। सेकेंड जो वर्ड था वो था पी फॉर प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन मतलब जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं, जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, पब्लिक अंडरटेकन है, मतलब सरकार के अंदर अंडरटेकन है या सरकार जिन्हें हैंडल कर रही है, वो सारे के सारे हैंडओवर कर दिए जाए प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को, प्राइवेट ओनर्स को, जिससे कि हमें पैसा कलेक्ट होगा, पैसा आएगा हमारे पास में, और वो सारी चीज़ें जो है प्राइवेट ओनरशिप में कहीं ना कहीं प्रॉपर वे में रनअप करेगी। क्योंकि गवर्नमेंट जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो गवर्नमेंट अगर बेसिस पर बात करें तो काफ़ी लॉसेस में चलते हैं, वहाँ सिर्फ सर्विसेज प्रोवाइड होती है, लेकिन अगर प्राइवेट ओनरशिप में आ जाती है तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी जनरेट करना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। तो एलपी एंड देन जी ग्लोबलाइजेशन, जितना हो सकता है ग्लोबलाइज करो, जितना प्रोडक्शन हो रहा है देश में, जितना भी सब कुछ हो रहा है सब कुछ ग्लोबलाइज करना स्टार्ट कर दो। तो ये जो वैश्विक स्तर पर जो है मार्केट को लेकर जाना, देश की इकोनॉमी को ले जाना, और इसके अलावा उदारवादिता दर्शाना और प्राइवेटाइजेशन को फॉलो करना, मतलब निजीकरण की प्रक्रिया को अपनाना, तो ये जो मॉडल था, इस मॉडल से पूरी तरीके से हमारी इकोनॉमिकल या हमारी इकोनॉमी जो है वो पूरी तरीके से रिफॉर्म देखने को मिला, हमें एक बहुत बड़ा रिफॉर्म देखने को मिला, बहुत बड़ा बदलाव हमारी इकोनॉमी में देखने को मिला। और ये जो देखने को मिला, ये मनमोहन सिंह जी जो कि एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, उनके कारण देखने को मिला, ओके। और उन्हीं के चलते, उन्हीं के द्वारा पेश किया गया जो मॉडल था, ये अपने आप में विश्व स्तर पर भारत की इकोनॉमी को लेकर गया, और उसी की वजह से शायद आज हमारी इकोनॉमी काफ़ी अच्छे लेवल पर स्टैंड कर रही है ना। तो रोल ऑफ स्टेट इन एन इकोनॉमी, एक इकोनॉमी में स्टेट का क्या रोल होता है, देखिए, तो सबसे पहले तो इकोनॉमिक सिस्टम जहाँ रेगुलेट होता है वो कहाँ होता है, एक स्टेट में होता है, एक राज्य में ही हो रहा है ना। उसके अलावा प्रोड्यूसर और सप्लायर ऑफ प्राइवेट गुड्स एंड सर्विसेज, प्रोड्यूसर ऑफ और सप्लायर ऑफ पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज, चाहे प्राइवेट गुड्स एंड सर्विसेज ले लीजिए, चाहे पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज ले लीजिए, दोनों को सप्लाई और प्रोड्यूस कर रहा है स्टेट, ठीक है। इसके अलावा इकोनॉमिक सिस्टम जो है उसे कंट्रोल भी एक स्टेट ही करता है। इसके अलावा डिमांड और सप्लाई की जो चेन है वो भी कहाँ मेंटेन हो रही है, वो भी एक इकोनॉमिकल एक्टिविटी जो है, डिमांड और सप्लाई की जो चेन है वो स्टेट में ही रेगुलेट हो रही है, वहीं पे मेंटेन हो रही है। तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो एक स्टेट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी इकोनॉमी में, ओके। द नेक्स्ट इज वॉशिंगटन कंसेंसस। अब क्या है ये वॉशिंगटन कंसेंसस, वॉज कॉइंड बाय द इकोनॉमिस्ट, किसने दिया था ये शब्द, ये जॉन विलियमसन जो कि एक इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने दिया था 1989 में, ठीक है, जिसके अंदर पॉलिसी रिफॉर्म के एक सेट को सजेस्ट किया गया था, एक सेट बनाया गया पॉलिसी रिफॉर्म्स का, उसको इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। और सभी हम कह सकते हैं मोस्ट ऑफ द ऑफिशियल्स जो है वॉशिंगटन के, वहाँ पे इसे इंट्रोड्यूस किया गया, जिसके अंदर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड वर्ल्ड बैंक भी सम्मिलित थे, ठीक है। तो थॉट वुड बी गुड
फॉर द क्राइसिस ड्राइव इन लैटिन अमेरिका कंट्रीज ऑफ द टाइम. उस समय अच्छा इसको वॉशिंगटन कंसेंसस को क्यों जो है उस समय इसका विचार कैसे आया, तो उस समय जो है लैटिन अमेरिका के अंदर जो है लैटिन अमेरिकन कंट्रीज जितनी भी है वहाँ पे बहुत ही बुरा दौर था, क्राइसिस का समय था, इकोनॉमिक क्राइसिस. उसके चलते ये पॉलिसी रिफॉर्म की जो धारणा है या ये जो सेट है पॉलिसी रिफॉर्म का उसे पेश किया गया. ठीक है, नाउ वट आर दी सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी. एक इकोनॉमी में कौन कौन से सेक्टर्स आते हैं, तो सबसे पहले आता है फिस्कल डिसिप्लिन. ठीक है, इसके अलावा पब्लिक एक्सपेंडिचर्स जो है या हम रीडायरेक्शन की बात करें, रीडायरेक्शन ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर प्रायोरिटीज टूवर्ड्स फील्ड्स ऑफ ब्रिंग बोथ इकोनॉमिक रिटर्न्स एंड पोटेंशियल्स टू इम्प्रूव इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन. इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन को इम्प्रूव करने के लिए जैसे पब्लिक हेल्थ केयर या पब्लिक एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन या इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब चीज़ों पर जो कार्य किया जाता है, इसको जो रीडायरेक्ट किया जाता है वो एक इकोनॉमिक सेक्टर के अंदर आता है. इसके अलावा टैक्स रिफॉर्म्स, इंटरेस्ट रेट, ओके, कॉम्पिटिटिव चार्जेस रेट अदर द एक्सचेंज रेट सॉरी अदर देन द ट्रेड लिबरलाइजेशन, लिबरलाइजेशन ऑफ FDI इनफ्लोज, प्राइवेटाइजेशन, रेगुलेशन, सिक्योर प्रॉपर्टी राइट्स, ये सारे जो 10 सेक्टर्स हैं ये इकोनॉमिक सेक्टर्स कहलाते हैं. ठीक है, अब हम बात करें कि देखिए सेक्टर्स का मतलब ये नहीं है, सेक्टर्स का मतलब कि ये सारी चीज़ें सम्मिलित की जाती है, लेकिन अब इनको ऑर्गेनाइज कैसे किया जाए. 10 चीज़ें नहीं है, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं. अब इन सारी चीज़ों को कैसे स्टडी किया जाए, कैसे इसको जो है डिफरेंशिएट किया जाए, क्या क्या चीज़ क्या है और कैसे पढ़ते हैं उसे, और कौन सी सेक्टर में आती है इकोनॉमी के, तो इकोनॉमिक सेक्टर्स को मेजरली जो है 3 बड़े बड़े पोर्शन में कवर किया जाता है, डिवाइड कर दिया गया है, दैट इज़ प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर. ओके, तो अगर हम बात करें प्राइमरी सेक्टर की, तो प्राइमरी सेक्टर में क्या होता है, वो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को इंक्लूड किया जाता है जो डायरेक्टली नेचुरल रिसोर्सेज से की जाती है, जैसे कि एग्रीकल्चर या फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री जिसे हम कह सकते हैं, फॉरेस्ट्री, फ्यूल्स, मेटल्स, मिनरल्स, जो डायरेक्टली ही कहाँ से मिल रहे हैं हमें, नेचुरल रिसोर्सेज से मिल रहे हैं, तो वो क्या हो गया, प्राइमरी सेक्टर के अंदर आ गया. ठीक है, और सबसे बड़ा सेक्टर जो इंडिया की अगर हम बात करें, जो मेजर सेक्टर कवर करता है वो एग्रीकल्चरल सेक्टर करता है. ठीक है, इसके अलावा प्राइमरी सेक्टर के अंदर वो सारी चीज़ें इंक्लूड की जाती है जो कि नेचुरल रिसोर्सेज से डायरेक्टली कलेक्ट करके और यूज़ किया जाता है, जैसे एनिमल्स हैं, फिशरी ले लीजिए, फिशेज़ को डायरेक्ट कलेक्ट किया जाता है, मार्केट में सील कर दिया जाता है, लोग उसे परचेज़ करते हैं एंड उसे जो है कंज्यूम कर लेते हैं. तो समवेयर जो चीज़ें डायरेक्टली यूज़ में ली जा रही है और कहाँ से, नेचुरल रिसोर्सेज से, वो क्या हो गया, प्राइमरी सेक्टर. ठीक है, और मेजर एग्जांपल ले लीजिए एग्रीकल्चर, उसके बाद में आता है सेकेंडरी सेक्टर. क्या है सेकेंडरी सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट. प्राइमरी सेक्टर जो है वहाँ से मटेरियल लेना, नेचुरल रिसोर्सेज से जो है प्रोवाइड करना रॉ मटेरियल या अदर रिसोर्सेज को, उसके बाद में उनको मैन्युफैक्चर करना, मतलब उन्हें डायरेक्ट कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट हम लोग यूज़ नहीं ले रहे हैं, मार्केट में नहीं जा रहा वो मटेरियल, पहले वो जा रहा है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में, मैन्युफैक्चरर जो है वो उसे मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उसको जो है उसको किसी ना किसी तरीके से मॉडिफाई कर रहे हैं या उसे अन्य किसी चीज़ को जो है बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो चीज़ जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर आता है. ये जो सेकेंडरी सेक्टर है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहलाता है, जहाँ पे इंडस्ट्री बेस्ड वर्क होता है. ठीक है, जैसे कि ब्रेड या वीट, चलिए वीट ले लीजिए, वीट लिया हमने, ये आ गया प्राइमरी सेक्टर में, वीट को मैंने डायरेक्टली मार्केट में सेल आउट कर दिया और हमने परचेज़ कर लिया और उसका आटा लगा के और चपाती बना के वो खा लिया, तो वो क्या हो गया, वो हो गया प्राइमरी सेक्टर. लेकिन मैंने वीट को परचेज़ किया, फिर मैंने उसे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में दिया, वहाँ पे उसका ब्रेड या उसके बिस्किट्स बनाए गए और फिर उसे मार्केट में उतारा गया, तो ये जो पूरा जो सर्किल बीच में आया, जो प्रोसेस आया उसे वीट से ब्रेड बनाने के लिए जो प्रोसेस यूज़ लिया जा रहा है, ये सेकेंडरी सेक्टर के अंदर आता है. तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो होती है वो सारी की सारी कहाँ आती है, सेकेंडरी सेक्टर के अंदर. ओके, उसके बाद में थर्ड सेक्टर जो होता है वो होता है टर्शियरी सेक्टर. टर्शियरी सेक्टर होता है सर्विसेज जहाँ प्रोवाइड की जाती है. ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विसेज, ऐसी एक्टिविटीज जो सर्विसेज बेस्ड हो, जैसे कि टीचिंग, एजुकेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, या हम बात करें टूरिज्म, इन सब में क्या हो रहा है, इन सब में ना तो हम नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ ले रहे हैं ना ही हम कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं,
हम सिर्फ सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहे हैं और उसी के बेसिस पर इकोनॉमी जनरेट हो रही है। अगर मैं एक टूरिस्ट गाइड हूँ तो मैं क्या कर रही हूँ, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हूँ, अपना नॉलेज जो है वो उनके साथ बांट रही हूँ, फॉरेनर्स या टूरिस्ट के साथ में। उससे जो पैसा मुझे मिल रहा है वो पैसा क्या कर रही हूँ, मैं इकोनॉमी जनरेट कर रही हूँ मैं उससे, अपनी खुद की भी और देश की भी। तो ये क्या हो गया, टर्शियरी सेक्टर, जहाँ पे सेवा क्षेत्र होता है या सर्विस सेक्टर जो होता है उसे टर्शियरी सेक्टर कहा जाता है। ठीक है, तो ओवरऑल आज हमने बेसिक स्ट्रक्चर लिया, पूरा अच्छी तरीके से समझा कि क्या क्या सेक्टर्स होते हैं, क्या डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल, नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल क्या होता है, इसके अलावा इकोनॉमी में किन किन चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है, जैसे वॉशिंगटन कंसेंसस जो है उसे पढ़ा हमने, इसके अलावा मिक्स्ड इकोनॉमी क्यों कहा जाता है इंडिया को, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्या होता है, एलपीजी मॉडल क्या है, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे पढ़ी है। एलपीजी मॉडल पेश किसने किया था, क्या है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ये सारी चीज़ें बेसिक स्ट्रक्चर जो है मैं आपके साथ में आज यहाँ शेयर कर चुकी हूँ। तो ये जो आज का हमारा वीडियो था ये पूरी तरीके से बेसिक स्ट्रक्चर पर बेस्ड था, या बेसिक इकोनॉमिकल वीडियो था, बेसिक इकोनॉमिक्स पर बेस्ड। ओके, इसके अंदर हमने मैक्सिमम कवर कर लिया है बेसिक्स। अब आपका बेस तैयार हो चुका होगा कि इकोनॉमिक्स है क्या, कैसे काम करता है। ठीक है, अब हम आगे शुरू करेंगे इंडियन इकोनॉमी का वो पोर्शन जो आपके करंट सेक्शन को भी कवर करेगा और फैक्ट्स को कवर करेगा। ठीक है, टॉपिक बेस्ड लेंगे, जैसे जीएसटी लिया, जीएसटी से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, लास्ट जो न्यूज़ में रहे हैं वो सारी, या जीएसटी के अंदर जो रिफॉर्म्स देखने को मिले, ये सारी चीज़ें जो है टैक्स सिस्टम के अंदर क्या रिफॉर्म्स है, जीएसटी क्या है, ये सारी चीज़ें हम एक वीडियो में कवर करेंगे, और उससे रिलेटेड करंट अफेयर्स भी। इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे कि आपका प्रिलिम्स जो है उस तब तक प्रिलिम्स के जो आप एग्ज़ाम पे बैठने जाएंगे ना, एग्ज़ाम कवर करने जाएंगे, उससे पहले तक आपका इकोनॉमिक्स पूरी तरीके से क्लियर होगा, ये मेरी गारंटी है। और आपके कंसेप्ट इतने क्लियर होंगे कि आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन अटेंड कर सकें। ओके, और मैक्सिमम कवरेज मैं कोशिश करूँगी मैक्सिमम लेवल पे वो सारे क्वेश्चंस कवर करूँ जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, या जैसा यूपीएससी पूछा करती है। ओके, सो उम्मीद है आपको आज का ये सेक्शन पसंद आया है, आज का ये वीडियो पसंद आया है। तो अगर आपको पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके अलावा आप रेगुलर अपडेट्स के लिए, डेली अपडेट्स के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, दैट इज़ अचीव IAS। ओके, इसके अलावा अगर आप हमसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं कोई भी मटीरियल या कोई भी स्टफ़ या कोई भी वीडियो या कोई भी पर्टिकुलर मैं कह सकती हूँ कि हमारे जो भी हमारे प्लान्स चल रहे हैं या हमारे जो सिस्टम चल रहा है यहाँ पे वर्क करने का, ये सारी चीज़ें मेंस आंसर राइटिंग से रिलेटेड अगर कोई क्वेरी है या कोई भी टॉपिक्स या कोई भी कोर्स से रिलेटेड क्वेरी है, तो उसके लिए आप इन फ़ोन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं जो यहाँ आपके स्क्रीन पे दे रखे हैं। उसके अलावा आप हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कीजिए जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा आर्टिकल्स मिल सके, दैट इज़ www.achieveis.co.in। ओके, इसके अलावा आप ये देख सकते हैं मैंने यहाँ साइड में पेज का जो है एक पिक्चर भी यहाँ जो है स्टिक कर रखा है, ये जो है ये अचीव IAS का टेलीग्राम चैनल का पिक्चर है। हाँ, आप देख सकते हैं हमारे 29,000 जो है सब्सक्राइबर्स हैं, 29,000 प्लस सब्सक्राइबर्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं। आप डेली बेसिस पे यहाँ रेगुलर अपडेट्स दिया जा रहा है, आप इसे ज्वाइन कीजिए जिससे आपको हमारे नए नए कोर्सेज के बारे में भी पता चल जाएगा और आपके लिए इजी हो जाएगा हम तक पहुँचना और हमसे कॉन्टेक्ट में रहना। ओके, सो ऑलवेज कीप इन टच, क्योंकि आपके लिए बहुत सारी चीज़ें यहाँ अवेलेबल होने वाली है, बहुत सारे सरप्राइजेस खुलने वाले हैं और डेफिनेटली आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट मटेरियल हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड करवाने वाले हैं। ओके, सो ऑलवेज बी इन टच, टेक केयर, बाय बाय, बी सेफ एंड अगेन सी यू टुमारो।